देवियों और सज्जनों, जिस पुस्तक का अभी विमोचन हुआ है उसका नाम है फुलफिलिंग बापूज ड्रीम्स, प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रिब्यूट टू गांधी जी। इस पुस्तक के विमोचन समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, जिस गीत को हमने सुना वो बापू का बहुत प्रिय गीत था, वैष्णव जन तो तेणे कहिए। और कभी कभी इसकी ये वैष्णव शब्द जो है वो शुद्धता का प्रतीक है, इट्स ए सिंबल ऑफ प्योरिटी। और उसको यदि व्यवहारिक दृष्टि से हम देखेंगे तो जो लोग रोड ट्रैवलर्स हैं या लोग जो बाहर खाना खाते हैं, बहुत सारी जगह पर होता है वैष्णव ढाबा। और ये जिसमें वैष्णव ढाबा लिखा होता है तो लोगों को लगता है कि दिस इज़ रियली ए प्योर वेजिटेरियन, ये एक शुद्धता का। और गांधी जी ने इस उपलक्ष्य में प्रयोजन से नहीं किया होगा, लेकिन उनका ये जो बहुत प्रिय गीत था, एक और गीत था रघुपति राघव राजा राम, और मुझे लगता है इन दो गीतों के माध्यम से उन्होंने न केवल देश को बल्कि विश्व को एक भौतिकवाद से मुक्त और आध्यात्मिकता को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है उसकी तरफ ये दोनों गीत उनके हमें हम सबको एक प्रेरणा देते हैं। इस पुस्तक की पहली प्रति को प्राप्त कर सचमुच में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। बापू के सपनों से जुड़ी यह पुस्तक एक उन्होंने भी लिखी थी, उसका नाम था मेरे सपनों का भारत। उस पुस्तक की याद आती है जिसमें इसी शीर्षक से एक निबंध भी है। उस निबंध में गांधी जी ने क्या कहा था, मैं उसको कोट करता हूँ। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज़ का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा, उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे। अपनी उस पुस्तक में गांधी जी ने गांव की सफाई और राष्ट्र का आरोग्य, स्वच्छता और आहार जैसे कई विषयों पर अलग से अपने विचार व्यक्त किए थे। भारत को पूरी तरह स्वच्छ बनाना हर भारतवासी की जिम्मेदारी है, यह बात लगभग 100 साल पहले बापू ने खुद सफाई करते हुए हम सबको सिखाने की कोशिश की थी। आज़ादी के बाद के दौर में स्वच्छता को एक सुनियोजित सामाजिक अभियान के रूप में आगे बढ़ाने में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने अपनी पीढ़ी की और अपने क्षेत्र के बहुत से लोगों की तथाकथित वर्ण, जाति और वर्ग से जुड़ी सोच से ऊपर उठते हुए मल के लिए सुविधा प्रबंधन और निस्तारण के क्षेत्र में पहल की। जब स्वच्छता को महत्व नहीं दिया जाता था उस दौर में डॉक्टर पाठक ने स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने के लिए अपनी संस्था सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की, जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और सम्मान प्राप्त है। राष्ट्र के नैतिक तथा आध्यात्मिक पुनर्निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अपने प्रयासों के द्वारा सदगुरु
जग्गी वासुदेव जी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे। वे प्रकृति और मानवता के अटूट संबंध को समझाते हुए ग्रीन हैंड्स और वनश्री जैसे प्रयासों को आगे बढ़ा रहे। उनके रैली फॉर रिवर्स अभियान ने व्यापक स्तर पर जन चेतना जगाई, जिसका जल प्रबंधन पर प्रभावी असर पड़ेगा। प्रकृति का संरक्षण अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, यह बात उनके प्रयासों में दिखाई देती है। स्वच्छता को एक राष्ट्रीय जन आंदोलन का रूप देते हुए देश के सामने गांधी जी की 150वीं पूर्ण तिथि यानी 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के स्वच्छता के प्रति आग्रह को देश के जनमानस से जोड़ा है। उन्होंने इस मिशन के कार्यक्रमों के जरिए यह स्पष्ट किया है कि स्वच्छ भारत मिशन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करके ही राष्ट्रपिता गांधी जी के प्रति हम सच्ची श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। यह सभी मानते हैं कि खुले में शौच करने से अनेक बीमारियां फैलती हैं। एक अनुमान के अनुसार ऐसी बीमारियों की वजह से भारत में रोज लगभग 1000 बच्चों की मृत्यु होती है तथा बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। इन बीमारियों से गरीब तबके के लोगों की कमाने की क्षमता भी कम हो जाती है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि स्वच्छता के लिए काम करना सही मायनों में गरीबों की भी सेवा करना है। बापू के सपनों को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास वास्तव में राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अर्थ में आज मुझे जो ये पुस्तक भेंट की गई है, आज़ादी के बाद के भारत के विकास के उस महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित करती है जो पिछले कुछ वर्षों में उभर कर सामने आया है। यह पहलू है देश के विकास की प्रक्रिया को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ना, इसे जन आंदोलन का रूप देना, साधारण नागरिकों की व्यवहारिक जरूरतों को नीति और व्यवस्था में केंद्रीय महत्व देना और नैतिक आदर्शों को दृढ़ता के साथ जन जीवन में स्थापित करना। विकास के इस पहलू में महात्मा गांधी के विचार और कार्य पद्धतियाँ परिलक्षित होती हैं। समावेशी विकास के प्रयासों के कारण समाज के आर्थिक पिरामिड का सबसे नीचे का तबका आज अर्थव्यवस्था के मुख्य ढांचे से जुड़ गया है। महिलाएं और बेटियां अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव महसूस कर रही हैं। आज स्वच्छ भारत अभियान के फलस्वरूप गांव कस्बों के स्कूलों में बेटियों की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल रही है। स्वच्छता अभियान के द्वारा महिलाओं को गरिमा और न्याय दिलाने से जुड़ी कई अनदेखी समस्याओं का समाधान हो रहा है। हम सब लोग जानते हैं, जिसमें अनदेखी समस्याओं का जिक्र मैंने किया, वो एक ऐसी समस्या को हम सब लोग भारतीय समाज की या सामाजिक परंपरा का वो विभिन्न अंग हो गया था। और वो होता था कि जब हम अपनी बेटी या बहन की शादी के लिए जब वर की तलाश करते थे तो उसमें प्राथमिकता होती थी कि बेटा पढ़ा लिखा हो और नौकरी वाला हो। आज उसमें इसके अतिरिक्त एक और कंडीशन जुड़ गई है, और वो ये जुड़ गई है कि यदि ससुराल में यदि शौचालय होगा तभी शादी होगी। और इसका हमने इतने पैमाने पर देखा कि जिन बेटियों की शादियां मंडप से उठ कर के वो वापस चली गई अथवा जब ससुराल गई और उनको वहाँ पता लगा कि हमारे घर में शौचालय नहीं है, तो उन्होंने वो कहा कि हम तब तक ससुराल नहीं जाएंगे जब तक कि इसमें शौचालय का निर्माण नहीं होगा। एक ये नई एक सोच लेकर के,
और इन जो हमारी बेटियां हैं इसको उस कल्पना से देखिए कि जागरूकता कितनी आ रही है। इस जागरूकता का जहां पर कहा जाता था कि भारत की हमारी जो बेटियां हैं वो कभी बगावत नहीं करती, लेकिन ये बगावत नहीं बल्कि एक जागरूकता का परिचायक है। एक अग्रणी राष्ट्र के लिए स्वच्छता का होना बुनियादी शर्त है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को उच्चतम प्राथमिकता दी है और इसे जन आंदोलन का रूप दिया है। आज़ादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को बड़े पैमाने पर व्यवहारिक धरातल पर राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का प्रयास भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक बदलाव के रूप में सामने आता है। इस बदलाव को रेखांकित करने की दिशा में मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक एक सराहनीय प्रयास है। गांधी जी ने कहा था कि मैं भारत को स्वतंत्र और बलवान बना हुआ देखना चाहता हूँ। भारत को एक बलवान देश के रूप में देखने के उनके सपने को साकार करने की दिशा में हमारा देश आज एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता, ग्रामोदय, महिला कल्याण जैसे कुछ क्षेत्रों में बापू के बताए रास्तों पर चलने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों के बारे में यह पुस्तक विस्तृत जानकारी देती है। मैं इस पुस्तक के लेखन और प्रकाशन से जुड़ी ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की पूरी टीम को बधाई देता हूं और इस पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।